आज रोबियो कंपनी की तरफ से पैकेज आया, तो पहले तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, उसके बाद इस कंपनी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये इसका बिल है और पैकिंग अच्छी कर रखी है कंपनी ने। और ये रहे सुनोन के दो फैंस। तो ये सुनोन के मैगलैब फैंस है। मैगलैब का मतलब है मैग्नेटिक लेविटेशन। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है ये भी, डेल्टा के मैं पहले प्रेफर करता था, लेकिन आजकल सुनोन के ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो पा रहे हैं। सुनोन फैंस की जो रिलायबिलिटी है वो डेल्टा के बराबर है और नॉइस लेवल्स बल्कि उनसे कम है। ये सब मॉडल नंबर है, डिटेल्स हैं। तो ये मैंने एम्पलीफायर के लिए ऑर्डर करे, इससे पहले मैंने माको कंपनी के फैंस लगा रखे हैं उसमें। पहले मुझे पता ही था कि सुनोन कंपनी के अवेलेबल हो पाएंगे, लेकिन robio.in जो वेबसाइट है उसके वजह से मुझे मिल पाए। 12 वोल्ट के पावर अडेप्टर से इसको कनेक्ट कर लिया है मैंने, और चला के इसकी साउंड सुना देता हूँ। वैसे काफ़ी साइलेंट है फैन, बहुत ही हल्की सी इसमें हाई फ्रिक्वेंसी हम है, क्योंकि इसकी RPM 8000 है, तो वो तो नेचुरल है होना। आगे इसको रखते हैं, कुछ सरफेस टच होती है इसके, तो वो विंड टर्बुलेंस की वजह से थोड़ा सा नॉइज जनरेट करता है। तो इसको जब भी आप माउंट करें, कोशिश करें कि इसका जो एयर फ्लो है कोई चीज़ आगे रोके ना, नहीं तो नॉइज़ आएगा। इनकी वेबसाइट पर आपको अलग अलग इस तरीके के जो चीज़ें होती है मिल जाएगी, स्पेशली जो ये फैंस होते हैं ना बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। और पहले मैंने इस तरह के फैंस ये पुरानी दिल्ली में काफ़ी ढूंढे हुए, लेकिन ज़्यादातर जो खाली बैठे दुकानदार भी होते, इतने बड़े होलसेलर बनते हैं अपने आपको, वो आपको ढंग से डील नहीं करेंगे, इतना महंगा देंगे ना आपको, एक से एक फ़ैन आप नहीं ले पाओगे, कई गुना महंगा देंगे। तो ये जो आजकल वेबसाइट्स आ गई हैं, स्पेशली जो DIY का सामान मिलने लग गया है, जैसे robio.in हो गई और एक ProBots हो गई, इस तरह की मैंने कई वेबसाइट्स देखी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके घर बैठे इस तरह की चीज़ें अवेलेबल होने लग गई हैं, नहीं तो पुराने ज़माने में बहुत मुश्किल होता था इस तरह की चीज़ें ढूंढना। और ये बहुत ही हाई क्वालिटी का फ़ैन है सुनोन कंपनी का, अगर आपको नहीं पता थोड़ा सा आप सर्च करो, डेल्टा के सेकेंड मान सकते हैं, बल्कि डेल्टा से ज़्यादा साइलेंट माना जाता है इसको। इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन की शीट है, ये आप देख सकते हैं, इसी का मॉडल है। कोई भी आप इनके बिल्ड कर रहे हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। अब अगर इन वेबसाइट्स की क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करें तो वो मुझे काफ़ी पसंद आई है। रोबियो वेबसाइट ने मुझे 2 हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन इन्होंने 4 दिन के अंदर अंदर मेरे घर तक पैकेज पहुंचा दिया, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और पैकेज बिल्कुल अच्छी कंडीशन में आए और फैंस भी बिल्कुल जेन्युइन है। कई सारे दुकानदारों से आप जब फैंस लेंगे तो वो पुराने फैंस को आपको सेल करते हैं नए बता के, तो ये चीज़ें ऑनलाइन थोड़ी सी कम होती हैं। एटलीस्ट ये जो 2 वेबसाइट्स हैं इन पे ऐसा मैंने नहीं देखा। सारे प्रोडक्ट्स के साथ प्रॉपर बिल्स भी मिलते हैं और 15 दिन की रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी है रोबियो वेबसाइट पे। तो कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, इनकेस 15 दिन के अंदर अंदर उसमें कोई फॉल्ट आता है तो आप कंपनी से फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करवा सकते हैं। अलग बात है मुझे इस चीज़ की अभी तक ज़रूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि जो भी सामान मैंने लिया बिल्कुल सही वर्किंग कंडीशन में आया था। पर्सनली इन फैंस को मैंने अपने होम थिएटर के एम्पलीफायर में इंस्टॉल कराया, क्योंकि उसमें ओवरहीटिंग का इशू था। इससे पहले मैंने माको कंपनी के फैंस इंस्टॉल कर रखे थे, लेकिन वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। खैर, इन फैंस के इंस्टॉलेशन पे एक डिटेल्ड वीडियो सेपरेटली मैं डालूंगा, ताकि कोई भी आपके पास साउंड एम्पलीफायर है और उसमें आपको ओवरहीटिंग का इशू आ रहा है, उसके साथ ही साथ और भी तरीके के जो बहुत सारे इशूज़ होते हैं उनको सॉल्व करना सिखाऊंगा उस वीडियो में मैं। इस वीडियो में तो मैं सिर्फ आपको इन फैंस की अनबॉक्सिंग और ये जो वेबसाइट्स हैं इनका रिव्यू देना चाहता था। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।